हेलो दोस्तों, ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है एक्स रूट में 2 अपॉन में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इसके होल पावर में एक्स प्लस 2, देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए इसे हम लिख सकते हैं 2 अपॉन में एक्स प्लस 1 इसके होल पावर में 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इसके होल पावर में एक्स प्लस 2। इस इक्वेशन में हम दोनों साइड पावर में x मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनटू में x, यहाँ पे भी इनटू में x, यहाँ देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 2 अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इसके होल पावर में x स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 इनटू में x प्लस 1 इसके होल पावर में x स्क्वायर प्लस 2x। ये हम देखिए इसके पावर में 1 है, इन दोनों का बेस सेम हो गया है तो एक्सपोनेंट रूल से हम पावर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इसके होल पावर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इसके होल पावर में, ये हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इसके होल पावर में x प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर, इसे हम a के इक्वल मान लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास x प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी a के पावर में 1 बाई 2, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a के पावर में 1 बाई 2 इसके होल पावर में a, 2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा a के पावर में a बाई 2। इस इक्वेशन का दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू a के पावर में a, इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2, और a को हमने x प्लस 1 के होल स्क्वायर के इक्वल माना था, यहाँ पे पुट कर देंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन का दोनों साइड रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 माइनस 1, ये हमारा आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।